मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टीचर्स डे पर कार्ड बनाने बता रही हूँ। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे किस तरह, ये देखिए मैंने ग्लिटर शीट ली है। ग्लिटर शीट नहीं है तो आप पेपर भी यूज कर सकते हैं, रेड कलर का पेपर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखिए, जो भी ये ग्लिटर शीट से मैं बना रही हूँ, आप लोग ग्लिटर शीट का यूज ना करके आप पेपर का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये ग्लिटर शीट मैंने ली है। अब ग्लिटर शीट को हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे हम लोग फैन बनाते हैं इसी तरह से आपको फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ये देखिए, आज हम आपको बुके, जैसे बुके होता है ना, बुके शेप में ही आपको कार्ड बनाना बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है। तो ये देखिए, कर रहे हैं ना हम लोग फोल्ड, तो ऐसे ही आप भी फोल्ड करते जाइए, ओके। इसके बाद देखिए, मैंने ये आपका फोल्ड कर दिया। चलिए तो इस तरह से देखिए, मैंने फोल्ड किया है, तो आप लोग भी फोल्ड कर लेंगे, ओके। ये देखिए, तो हमने इस तरह से ये फोल्ड कर लिया और बहुत ही अच्छे से इसको आप दबा देंगे। और देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर पकड़ा हुआ है और ये देखिए आपकी इस तरह से डिजाइन आ गई है। अब इस डिजाइन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमारे पास देखिए स्टिक्स हम लेंगे, ज्यादा है तो आप, ये नहीं है आपके पास तो आप तो हम लोग एक स्ट्रॉ ले सकते हैं इसकी जगह, तो स्ट्रॉ भी हम इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम, ये हमारा जब तक सूखेगा तब तक मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड से रख देते हैं। इसके बाद मैंने व्हाइट कलर का ग्लिटर शीट लिया है और इसमें फ्लावर कलर की शीट ले ली है, तो व्हाइट कलर की शीट लेके हमें इसमें एक फ्लावर इस तरह से ड्रॉ करना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, ओके। फेस की अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। चलिए तो हम लोग कटिंग करते हैं और ये इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब आपने ये जो कटिंग कर ली है, अब हम येलो कलर का पेपर लेंगे और येलो का भी हम इससे छोटा साइज का पेपर काटेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा स्मॉल साइज का फ्लावर काट लेंगे, ठीक है। जब हम इस फ्लावर की कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद, ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है। अब इस तरह से दोनों ही फ्लावर्स हमारे कटिंग हो गए हैं। अब हम इस फ्लावर्स को अंदर से, इसमें देखिए पेस्ट करने का रहता है, तो ये पेपर हटा देंगे। ये पेपर हटाया और इस पेपर को हमने इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब आपका ये पेपर, ये पेस्ट हो गया है। पेस्ट होने के बाद अब हम इसको पेपर को लेंगे, अपनी हमने ग्लिटर शीट ले ली है और ग्लिटर शीट को हमने इस तरह से फोल्ड किया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्लावर लगाना है। उससे पहले हमको यहाँ पर स्टेपलर करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है तो स्टेपलर तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हम येलो कलर की शीट से पेस्ट कर देंगे। गो, देखिए इस तरह से मैंने एक स्ट्रिप्स काट ली है ग्लिटर की। अब इसको यहाँ पर इस तरह से
पेस्ट करेंगे, लेकिन पहले इसका ये निकाल दीजिएगा जिससे कि ये पेस्ट हो सके। रैपर निकाल देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, टाइट तरीके से आप इसको पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा फेविकॉल का यूज भी कर लेंगे। ये देखिए, ओके। अब इसके बाद ये देखिए, फ्लावर हम लोगों ने बनाया था, इसका भी हम लोग पीछे का बेस निकाल देंगे और इस पर हम लोग पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है। ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट हमारा हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग हैप्पी टीचर्स डे लिख सकते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर डेकोरेट आपको थोड़ा सा और करना है यदि, तो आप क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से आप ये वो भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे ये बनाना है वो हम आपको बताते हैं कि हमें कैसे बनाना है। आप एक पेपर लेंगे और इसको पेपर को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये पेपर फोल्ड किया है, इसके बाद यहाँ पर पेन से आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो भी आपकी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से, तो यदि हम ऐसी भी आपको कटिंग करके दिखा देते हैं, देखिए इस तरह से आपकी ये भी बन गई है। बस अब आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, जब इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो आपकी ये बन जाएगी। तो ऐसे ही है कि आपकी ये बन गई है। इसमें आपको यहाँ पर फेविकॉल लगाना पड़ेगा, तभी आपका ये पेस्ट होगा। तो जब हमारे पास ये रैपर लगा हुआ तो हम फेविकॉल का यूज नहीं करेंगे, रैपर लेंगे और उसको ही निकाल देंगे, लेकिन सिर्फ उतनी ही जगह का रैपर निकालेंगे जहाँ जितना आपको पेस्ट करना है। ये देखिए, ओके। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर, ये देखिए, ओके। अब इसके बाद इस पर मैं येलो कलर का छोटा सा एक पेपर काट के लगाएंगे लीटर सीट रैप करने के लिए। ये है, इसको हम रैप करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने रैप कर दिया। ओके,
अब देखिए ये मैंने यहाँ पर आपको ये पेस्ट करना है, थोड़ी सी फेविकोल लेंगे और यहाँ पर आप इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये देखिए आपका ये कार्ड तैयार हो गया है। इस पर आप हैप्पी टीचर्स डे लिख के इसको आप किसी को टीचर्स को आप विश कर सकते हैं और ये बुके की डिजाइन में आपका कार्ड रेडी हो गया है। ओके, थैंक यू।